चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले सिंधिया ने गुना के हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद काफिले के साथ नामांकन करने गुना से शिवपुरी पहुंचे। रास्ते में उनका फूल मालाओं से जगह जगह पर स्वागत किया गया। बता दें कि गुना सीट से भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है।